आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपनी कुकिंग क्लास में। तो हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड, और भी बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेड बनाएंगे। तो इसमें हम आलू नहीं भरेंगे बिल्कुल भी, तो ये आपके खराब भी नहीं होंगे, आप इसे 2-3 दिन तक रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, आधा घंटा ऐसे मैंने रख दिया ऐसे। तो जितने भी आपके पास मसाले होते किचन में, नमक मिर्च जो भी आपने इसमें मिक्स करने हैं वही मैंने मिक्स किए हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर बहुत बढ़िया बन चुका है। तो हम तैयारी करते हैं ब्रेड बनाने की। इन्हों को ब्रेड को इसके साथ बेसन के साथ अच्छी तरह से डिप कर लूंगी, ताकि जो उसमें बेसन है तो अच्छी तरह से चला जाए, नमक मिर्च जो भी बेसन में है तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ब्रेड के अंदर। तो हम इन्हें तलने की तैयारी करेंगे। हम तेल रिफाइंड ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तो हम इसमें एक एक ब्रेड पीस लेके तो मैंने वो छोटे पीस निकाले, तो मैंने बड़े साइज में ब्रेड को लिया, अभी इसके अंदर ब्रेड में डाल दिया है, आप देख सकते हो। तो इसमें इसको आप कट भी कर सकते हो चाकू के साथ बाद में। यहाँ पर एक ब्रेड में मैं टमाटो सॉस लगा के दिखा रही हूँ आपको, तो इसे तलेंगे हम। इस तरह से रख देंगे, तो इसे अच्छी तरह से हम दबा देंगे। तो ये ब्रेड हमारा फ्राई हो गया अच्छी तरह से, हम इसे निकाल लेंगे। आप चाय के साथ इसे नाश्ते में ले सकते हो। यहाँ पर हमारे ब्रेड बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो आप। तो जिस टमाटो सॉस लगाई थी वो भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो हम यहाँ पर चाट मसाला और व्हाइट कलर के नमक से इसे थोड़ा थोड़ा सा घेर देंगे, जिससे अच्छा लगे खाने में। चाट मसाला चाय के साथ आप इसे खा सकते हो शाम के टाइम, थोड़ा चाय के साथ। आप देख सकते हो हमारे ब्रेड कितने बढ़िया लग रहे हैं खाने में, भी अच्छे लग रहे हैं बहुत ही। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है कुकिंग क्लास का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।